देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, आज प्रोनाउंसमेंट पे था, जो निचली अदालत के फैसले को आज माननीय हाईकोर्ट ने पलट दिया है, बदल दिया है, और पूज्य गुरु जी के साथ जो चार लोग और थे इसमें, सभी को आज माननीय हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी कहते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है, और आज जो माननीय न्यायपालिका द्वारा, माननीय अदालत द्वारा जो आज ये फैसला सुनाया गया है, इसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। क्या आर्गुमेंट्स रहे ड्यूरिंग द जब ये बहस चली? जी जी, देखिए, जो निचली अदालत में हमने आर्गुमेंट की थी, जो हमने अपने तथ्य एविडेंस रखी थी, उसी उन्हीं तथ्यों के आधार पर हमने माननीय हाईकोर्ट में भी आर्गुमेंट की थी, और उन्हीं हमारी एविडेंस को देखते हुए हमारे तथ्य, देखिए, वो जजमेंट अभी अपलोड होनी है, अभी जस्ट और जस्ट सिर्फ प्रोनाउंसमेंट हुई है। जजमेंट जैसे ही अपलोड हो जाएगी, जैसे ही जजमेंट आ जाएगी, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर ऐसा किया है जो कोर्ट आज बरी किया है, तो वो मैं जजमेंट आने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। कितने साल ये हाईकोर्ट में चला, कब आपने दाखिल की थी अपील? देखिए, अपील जो हमने दायर की थी वो साथ की साथ, क्योंकि जो भी निचली अदालत के फैसले को अगर आपने हाई कोर्ट में चैलेंज करना है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने ये याचिका दायर करनी पड़ती है, अपील डालनी पड़ती है, तो ये अपील हमने वहाँ साथ की साथ डाल दी थी, और अभी अप्रैल में ही इसकी सुनवाई हुई थी। देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, आज प्रोनाउंसमेंट पे था, जो निचली अदालत के फैसले को आज माननीय हाईकोर्ट ने पलट दिया है, बदल दिया है, और पूज्य गुरु जी के साथ जो चार लोग और थे इसमें, सभी को आज माननीय हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी कहते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है, और आज जो माननीय न्यायपालिका द्वारा, माननीय अदालत द्वारा जो आज ये फैसला सुनाया गया है, इसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। क्या आर्गुमेंट्स रहे ड्यूरिंग द जब ये बहस चली? जी जी, देखिए, जो निचली अदालत में हमने आर्गुमेंट की थी, जो हमने अपने तथ्य एविडेंस रखी थी, उसी उन्हीं तथ्यों के आधार पर हमने माननीय हाईकोर्ट में भी आर्गुमेंट की थी, और उन्हीं हमारी एविडेंस को देखते हुए हमारे तथ्य, देखिए, वो जजमेंट अभी अपलोड होनी है, अभी जस्ट और जस्ट सिर्फ प्रोनाउंसमेंट हुई है, जजमेंट जैसे ही अपलोड हो जाएगी, जैसे ही जजमेंट आ जाएगी, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर ऐसा किया है जो कोर्ट आज बरी किया है, तो वो मैं जजमेंट आने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। कितने साल ये हाईकोर्ट में चला, कब आपने दाखिल की थी अपील? देखिए, अपील जो हमने दायर की थी वो साथ की साथ, क्योंकि जो भी निचली अदालत के फैसले को अगर आपने हाई कोर्ट में चैलेंज करना है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने ये याचिका दायर करनी पड़ती है, अपील डालनी पड़ती है, तो ये अपील हमने वहाँ साथ की साथ डाल दी थी, और अभी अप्रैल में ही इसकी सुनवाई हुई थी। देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, आज प्रोनाउंसमेंट पे था, जो निचली अदालत के फैसले को आज माननीय हाईकोर्ट ने पलट दिया है, बदल दिया है, और पूज्य गुरु जी के साथ जो चार लोग और थे इसमें, सभी को आज माननीय हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी कहते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है, और आज जो माननीय न्यायपालिका द्वारा, माननीय अदालत द्वारा जो आज ये फैसला सुनाया गया है, इसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। क्या आर्गुमेंट्स रहे ड्यूरिंग द जब ये बहस चली? जी जी, देखिए, जो निचली अदालत में हमने आर्गुमेंट की थी, जो हमने अपने तथ्य एविडेंस रखी थी, उसी उन्हीं तथ्यों के आधार पर हमने माननीय हाईकोर्ट में भी आर्गुमेंट की थी, और उन्हीं हमारी एविडेंस को देखते हुए हमारे तथ्य, देखिए, वो जजमेंट अभी अपलोड होनी है, अभी जस्ट और जस्ट सिर्फ प्रोनाउंसमेंट हुई है, जजमेंट जैसे ही अपलोड हो जाएगी, जैसे ही जजमेंट आ जाएगी, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर ऐसा किया है जो कोर्ट आज बरी किया है, तो वो मैं जजमेंट आने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। कितने साल ये हाईकोर्ट में चला, कब आपने दाखिल की थी अपील? देखिए, अपील जो हमने दायर की थी वो साथ की साथ, क्योंकि जो भी निचली अदालत के फैसले को अगर आपने हाई कोर्ट में चैलेंज करना है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने ये याचिका दायर करनी पड़ती है, अपील डालनी पड़ती है, तो ये अपील हमने वहाँ साथ की साथ डाल दी थी, और अभी अप्रैल में ही इसकी सुनवाई हुई थी।